अलैकुम, वेलकम टू ओमी खान व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं अपनी वार्डरोब की थोड़ी सफाई कर रही थी, उसको मेंटेन कर रही थी चीज़ों को, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ अपने बैग्स शेयर करती हूँ। बैग्स तो मेरे पास बहुत से हैं, लेकिन कुछ बैग्स से मैंने सोचा कि पहले मैं जो मेरे फेवरेट बैग हैं, मैं उनकी जो कलेक्शन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अब आपको अपने बैग दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, चलते हैं व्लॉग की तरफ। सबसे पहले मैं आपके साथ अपना मोस्ट फेवरेट बैग जो है वो शेयर करूंगी। तो चलें सबसे पहले ये देखें, ये पोलो ब्रांड का है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। इसकी प्राइस तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरा गिफ्ट है और इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और इसको आप बहुत ईजी से कैरी कर सकते हैं। और इसका कलर भी देखें कितना प्यारा है। फ्रेंड्स, चलते हैं दूसरे बैग की तरफ। ये देखें, ये बैग मैंने स्टाइलो से लिया था और ये देखें इसका ओपन करने का स्टाइल जो बहुत डिफरेंट है। और इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इसको हम बाजू में भी डाल सकते हैं और ये इसकी चेन है, इसको हम अपने शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हैं। और ये देखें कितना स्पेशियस है, इसमें हम बहुत सी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। जैसा कि ख़वातीन इनकी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसको हम इसमें इजीली कैरी कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से इसको मैंने एक साल पहले लिया था और इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और ये भी मुझे बहुत पसंद है। और अगर तो इसकी पिक्चर मेरे पास हुई तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, मैंने कुछ बैग्स की जो पिक्चर्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस किस स्टाइल से इसको कैरी किया है, कभी केप के साथ और कभी मैंने लॉन्ग कोट के साथ, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखें सबसे पहले, ये तो कितना प्यारा बैग है, इसको तो मैंने देखते साथ ही सबसे पहले उठा लिया। और ये देखें कितना प्यारा फ्लावर बना हुआ है। और आज जैसा कि आपको पता है कि गर्ल्स का फेवरेट कलर होता है पिंक, तो इसको तो मैंने देख के बिल्कुल नहीं छोड़ा। और इसको कैरी करने का भी बहुत मज़ा आता है, इसको मैंने एक बार यूज़ किया है और देखें ये भी कितना प्यारा है। इसको मैंने बोरजान से परचेज़ किया था और देखें कितना प्यारा बैग है। फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ कौन सा बैग शेयर करूं? हाँ, ये येलो, इसका भी कलर देखिए कितना प्यारा है, येलो कलर। आपको पता है कि लास्ट ईयर येलो कलर बहुत ज़्यादा इन था, मैंने येलो में बहुत सी चीज़ें खरीदी थी और ये बैग भी मुझे देखते साथ बहुत पसंद आया। और ये देखें इसका स्टाइल जो है वो ये पोटली स्टाइल में है और इसको आप बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि टॉप, जीन्स या लॉन्ग कोट किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं और ये ईजी करने में भी बहुत लाइट वेट है। और इसका जो मटीरियल है वो ऐसा है कि वो बिल्कुल, मतलब फ़ाइन है मटेरियल, ख़राब होने वाला नहीं है। कुछ मटेरियल होते हैं कि जो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, तो ये बड़ा फ़ाइन है। और इसका भी स्टाइल बहुत प्यारा है, डिफरेंट बैग है ये, मतलब जैसा कि आम बैग तो बहुत से होते हैं लेकिन ये बहुत डिफरेंट बैग है और ये लिया भी बहुत प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये बैग देखें, ये तो पोटली है, इसको मैंने लिबर्टी से लिया था हैंडीक्राफ्ट की शॉप से और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। ये मैंने अपने भाई की शादी पर लिया था और इसको हम, मतलब आपको पता है कि ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ ही कैरी कर सकते हैं। इसको हम रेड के साथ, ब्लैक के साथ या गोल्डन के साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो वाइट के साथ कैरी किया था। और ये ऐसे हाथ में लेते हैं इसको ऐसे करके और देखें इसमें मिरर वर्क है और ये भी बहुत प्यारी पोटली है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और फ्रेंड, ये देखें छोटू सा बैग है, ये मुझे मेरी मामा ने गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पर और ये आई थिंक मिली से लिया था और ये भी बड़ा छोटू सा बैग है और पकड़ने में भी बहुत इजी है। इसको भी हम फैंसी कपड़ों के साथ या किसी भी, मतलब जैसे कि हमारा ट्राउज़र शर्ट या विंटर का कोई सूट हो उसके साथ हम, जैसे कि रात में कभी डिनर पे जा रहे हैं, मतलब थोड़ा डार्क मेकअप किया हो, नाइट में डार्क सी लिपस्टिक लगाई हो और ये बैग कैरी किया हो थोड़ा शाइनी शाइनी, तो बड़ा प्यारा लगता है। अगर आपने प्लेन सूट भी पहना तो उसका ये शाइनी सा बैग आपने कैरी किया और थोड़ा डार्क लाउड मेकअप किया हो तो बड़ी प्यारी लुक लगती है। तो इसको भी मैं 2-3 बार कैरी कर चुकी हूँ। तो जी फ्रेंड्स, अब बारी है मेरे सबसे फेवरेट क्लच की। तो सबसे पहले देखें कि बॉक्स में है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखना पड़ता है और इसमें, क्योंकि ये सारा स्टोन वर्क है, अगर हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हवा में, आपको पता है जैसे कि स्टोन जो है वो ब्लैक हो जाते हैं। तो इसको देखें,
उसको मैंने कितनी केयर के साथ रखा हुआ है। और फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपनी चीज़ों को बहुत केयर से रखें, तभी आपकी चीज़ें आपके पास इतना लंबा अरसा निकालती हैं। और ये देखिए मैंने इसको कितनी एहतियात के साथ रखा हुआ है। फंटना तो फ्रेंड्स ये देखें, ये मेरा बैग है, ये मोर वाला, ये देखिए कितना प्यारा बैग है। इसको मैंने 2-3 बार कैरी की है, और जब जब मैंने, पता नहीं ये मोर है या चिड़िया कुछ ऐसा ही है, और मैंने इसको जब जब कैरी किया है, मैं आपके साथ वो सारी वीडियोस शेयर करूँगी। इसको मैं आई थिंक 3 बार कैरी कर चुकी हूँ। और ये देखें अंदर से दिखने में ऐसा है, और ये बहुत प्यारा है। इसको हम ऐसे हाथ में कैरी कर सकते हैं, और इसको मैं बहुत प्यार से रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए कितनी क्यूट सी चिड़िया है ये, और इसके कलर्स देखें आप कितने प्यारे इसके कलर हैं। तो अभी तक देखें इसका एक भी स्टोन नहीं गिरा क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्यार और केयर के साथ रखा हुआ है। और ये मैंने रूप सिंह हार से लिया था, लिबर्टी से, तो ये मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो क्लच है, इसलिए मैं इसको बहुत एहतियात से रखती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये टोट बैग है, और ये मूनलाइट पे बना हुआ है। इसका मटेरियल भी बहुत प्यारा है, और इसको मैंने अभी तक कैरी नहीं किया। ये देखें अभी भी इसका टैग लगा हुआ है, और ये मैंने लाइमलाइट से लिया था। और ये देखें मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से इसमें कितनी स्पेस है कि इसमें जैसे कि लड़कियों की बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि मतलब जो भी लड़कियों की प्रोडक्ट्स होती हैं वो इसमें इजीली आ सकती हैं। और जैसे कि जो मदर्स होती हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, उन बच्चों के पैम्पर्स, दूध और भी बहुत सी चीज़ें इसमें आप इजीली रख सकते हो। और आप इसको जीन्स के साथ पहनो, आप इसको लॉन्ग कोट के साथ पहनो, केप के साथ पहनो, शलवार कमीज के साथ पहनो, सबके साथ बहुत प्यारा लगता है। और आजकल ये बहुत फैशन में है टोट बैग, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है लिया हुआ। तो फ्रेंड्स वैसे तो मेरे पास बहुत से बैग थे, लेकिन एक वीडियो में सब दिखाना पॉसिबल नहीं था, इस तरह वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।